रणवीर सिंह, सारा अली खान और सोनू सूद स्टारर फिल्म सिम्बा 28 दिसंबर को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है और फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की खासा उम्मीदें भी जताई जा रही हैं। फिल्म का निर्देशन किया है रोहित शेट्टी ने और ये फिल्म सारा अली खान की दूसरी फिल्म है। इसी के साथ ही इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सिम्बा फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म ने टेम्पर का हिंदी रीमेक है, जिसमें अजय देवगन भी अपना जबरदस्त कैमियो करते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सिम्बा 4 वजहों से ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। वो 4 वजह कौन सी हैं, हम आपको बताते हैं। पहली वजह यह है कि रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की जबरदस्त जोड़ी। आपको बताना चाहेंगे, रणवीर सिंह जहां बॉलीवुड के पावर हाउस कहे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर रोहित शेट्टी भी डायरेक्शन के मामले में ऐसी ही इमेज रखते हैं और दोनों ही एनर्जेटिक हैं और अपने काम को पूरा जोश से करते हैं। रोहित शेट्टी हमेशा से एक्शन भरी फिल्में बनाते हैं और उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि इस फिल्म से दर्शकों का पूरा एंटरटेनमेंट होने वाला है। आपको बताना चाहेंगे, फिल्म की कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन इस फिल्म में दर्शकों को पूरा मसाला मिलने वाला है। इस फिल्म की कहानी की तरफ आ जाए तो रणवीर सिंह एक ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं जो कि घूसखोर है और इस फिल्म को और भी ज्यादा मसालेदार बनाने के लिए रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सिम्बा से इसको जोड़ा है। जाहिर सी बात है, ये फिल्म दर्शकों को खूब एंटरटेन करने वाली है। तीसरी बड़ी वजह है कि रणवीर सिंह की लंबे समय के बाद कोई बड़ी फिल्म आ रही है। आपको बताना चाहेंगे, साल 2018 के शुरुआती महीनों में उनकी फिल्म पद्मावत आई थी, जिस फिल्म में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। उनके इस रोल को लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और उनकी जमकर तारीफ की। उनके नेगेटिव रोल के लोग दीवाने हो गए थे और ऐसे में उनकी पद्मावत के बाद सिम्बा फिल्म आ रही है, तो जाहिर सी बात है दर्शकों की एक्साइटमेंट इस फिल्म के प्रति काफी हद तक बढ़ी होगी। चौथी बड़ी वजह की बात करें तो दिसंबर में कोई भी बॉलीवुड फिल्म अपना जबरदस्त कमाल नहीं कर पाई है। आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में 21 दिसंबर के मौके पर शाहरुख खान की फिल्म जीरो रिलीज हुई थी और इस फिल्म से दर्शकों ने खूब उम्मीदें लगाई थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर बिल्कुल खरी नहीं उतरी। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई और अब दर्शकों की उम्मीदें रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा पर आकर टिकी हुई हैं और लोगों को उम्मीदें हैं कि साल 2018 के अंत में रणवीर सिंह अपनी फिल्म सिम्बा से जबरदस्त कमाल करेंगे। दोस्तों, ये थे सिम्बा फिल्म के हिट होने के 4 बड़े कारण। आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म सिम्बा को लेकर और आपका इस फिल्म को लेकर क्या सुझाव है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।